नाजरीन मोहतरम आदाब, मैं हूं आपका मेजबान जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज। हम रखते हैं खबरों पर नजर, आप रखिए ASJ पे नजर। पेश है आज की सुर्खी। सर, ये आप परसों ही काबिले मुबारकबाद है कि आप यहाँ का जायज़ा लिए मैनेजर का, तो अब आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपको कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद में, और आपके फ्यूचर में क्या क्या प्रोग्राम से आवामी सहूलत को लेकर पाने की। देखिए, ये मैं ऑलरेडी डिप्टी जनरल मैनेजर था, अभी रिसेंटली मेरे को प्रमोशन मिला, तो ये और ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है। अब तक क्या है, मैं ओनली बहादुरपुरा हल्के का इंचार्ज था, अभी बहादुरपुरा और चारमीनार और मलकपेट का थोड़ा पार्ट आजमपुर एरिया देखता हूँ। तकरीबन 63-64,000 कनेक्शंस रहते हैं, बहुत जिम्मेदारी रहती है, और वाटर सप्लाई के डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट कारपोरेटर्स और 3 हॉनरेबल MLAs को डील करना रहता है, और ऑलमोस्ट 50-16 कारपोरेटर्स है, ये लोगों के कंप्लेंट्स रहते हैं, और बहुत बड़ा एरिया और बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला अपनी हिम्मत दे के भाई जो इसको खूबी से निभा सके। सब चूँकि आवाम के अंदर काफ़ी आपकी मकबूलियत है पानी के हवाले से, जहाँ तक सपई और बहादुरपुर और उसके अतराफ़ इलाकों में, तो अब आने वाले टाइम के अंदर जो समर का जो टाइम है, इस ताल्लुक से आपका कुछ प्रोग्राम या कुछ ऐसी पॉलिसी है सर? अभी जो पानी आ रहा है, तो 25 MDD पानी आ रहा है उसमें आराम सोर्स से, तो 25 MDD ये एज इट इज रहा, तो समर में क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहता है, तो लोगों का कंजम्पशन भी ज़्यादा रहता है, तो यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जो टेल एंड एरिया से, यानी तो एकदम हाईली एलिवेटेड एरिया से, वहाँ पर जो है सो बूस्टर्स को जो है मॉनिटर करेंगे, और जो सो टैंकर्स जहाँ जहाँ पे टेल एंड एरिया से एकदम से बहुत ही हाईली प्लेसड एरिया, वैसे एरियाज में हम लोग जो सो लेंगे, और क्योंकि मई और जून में रमजान शरीफ का भी आमद है, तो डेफिनेटली लोगों का डिमांड रहता, थोड़ा अगर कोऑर्डिनेट कर लिए तो वी कैन मैनेज। सब पानी के हवाले से चूँकि समर आने वाला है, तो इसके के लिए आप क्या मशवरा देंगे, अवामी पानी के लिए कुछ उसकी हिफाजत करें पानी की? तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक का प्रोग्राम क्या करी, वो तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलमो वो प्रोग्राम, जलमो और दीमम बोल के, वो प्रोग्राम के तहत जितने भी वाटर वेस्ट हो रहा है, यानी तो रोड में बारिश होकर जा रही, तो और नाकारा बोरवेल्स को रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स टेकअप कर रही गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बहुत बड़े पैमाने पर, और इंशाल्लाह 2-4 दिन में चारमीनार से भी हम एक रैली अभी ऑलरेडी MP साहब के नॉलेज में लाए, इंशाल्लाह उनसे टाइम लेंगे। हमारे MD साहब ये है कि भाई हर जगह गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का प्रोग्राम ये है कि भाई नाकारा बोरवेल्स को रिचार्ज करना, और जो बारिश का पानी है आने वाले बारिश में जो भी वेस्टेज होंगे उसको जो है सो पिट्स बना के वहीं करें, तो क्या तो ग्राउंड वाटर डेवलप होता है, सब्सिक्वेंटली क्या है बोरवेल्स में लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बहुत बड़े पैमाने पर टेकअप कर रही है, और हमारा मेट्रो वाटर वर्क्स हाल ही रिव्यू में मिनिस्टर साहब क्या बोले, बोलते पूरे तेलंगाना के लिए नोडल एजेंसी बना दिया, हमारे MD साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि हमारे को मेट्रो वाटर वर्क्स को नोडल एजेंसी, यानी कि लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कैसा टेकअप करना क्या है, वो ये सारे चीज़ें जो है हमारे वाटर वर्क्स की तरफ से टेकअप करेंगे। और मैं आवाम से यही करूँ रिक्वेस्ट है कि भाई वेस्टेज को रोके जहाँ तक हो सके, क्योंकि अल्टरनेटिव सप्लाई है, आने वाले दिनों में कंजम्पशन भी बढ़ता और पावर इंटरप्शन भी रहता, तो क्योंकि अपना मैक्सिमम एरिया क्या है पंपिंग पे डिपेंड है, तो ये चीज़ पे थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो इंशाल्लाह ताला 3-4 साल से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये आने वाले समर में भी और रमजान में भी जितने भी लोग हैं वहाँ के लीडर्स क्या है ऑनरेबल MP साहब, MLA साहब और कारपोरेटर्स भी हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट करें, जहाँ जहाँ पर भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह एज ए टीम वर्क, एज ए इंडिविजुअल हम कुछ भी नहीं है भाई, पब्लिक
और हॉनरेबल एमपी एमएलए साहब और कारपोरेटर्स बगैर कोऑपरेट करें कि हम इतने बड़े चीज़ को लेकर जाना, इट इज़ वेरी हाईली इम्पॉसिबल। जैसा अब तक कोऑपरेशन रहा, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई ये सीट पे आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आई एक्सपेक्ट द सेम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द पीपल, इवन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या ना तो रिपोर्टर्स, पब्लिक। ऐसे ऐसे फोन्स आते हैं बार बार, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखा कि भाई लोग एक्सपेक्ट करते, बस अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी ऐसा बोल देते कि भाई जैसा कि मेरे हाथ में ही है। तो मैं ये तस्वर करता हूँ कि भाई ये इतना बड़ा जिम्मेदारी डालना, ये महज अल्लाह और उसके हबीब के साथ है बस, वरना हम कुछ भी नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई आने वाले दिनों में भी लोग मेरे साथ यही तआवुन करेंगे, इंशाल्लाह हम मिलके एज ए टीम काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारा जो मकसद है उसको हम हासिल करेंगे। सर, मौजूदा सूरत हाल पानी की जो है, पानी के हवाले से इत्मीनान बख्श है सर? अल्हम्दुलिल्लाह 25 MGD आ रहा, थोड़े टेल एंड एरियाज में इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, थोड़े इंटरकनेक्शन से, जंक्शन से थोड़ा टेल एंड एरिया में डेवलप करेंगे। सर, ASJ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।